अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। अंशुमन जी, सुप्रीमा क्या कह रही थी? माँ कह रही थी कि नंदन ने हमारे रिश्ते को स्वीकार कर लिया है, वो हमसे माफी मांगना चाहता है, अब हमें कोई दूर नहीं कर सकता। अंशुमन जी, हम समझ नहीं पा रहे कि ये सच है या सपना। नंदन मान गया? सपने अगर सच्चे मन से बुने जाए तो सच होते हैं सपने। मैं तुम्हें हर वो खुशी दूंगा जो अब तक नहीं दे पाया, मरते दम तक तुम्हारा साथ दूंगा। सुना अमोली, तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो, सब ठीक होगा। तुम्हारी सुमन दीदी हमेशा तुम्हारे साथ है। और ये कहे चिल्ला रही है इतना? समझाए थे ना तुमको, समझ में नहीं आता है? लगवाए वो पेटे। सौरभ जी, हम किसी को कुछ नहीं बोलेंगे, प्लीज प्लीज हमने से निकाली, हम किसी को सच नहीं बताएंगे, प्लीज हमें आप दे रहे तो बहुत। चुप चुप। सौरभ बाबू, अभी नहीं, अभी पासा पूरी तरह हमारे पाले में आया नहीं है, इसको थोड़ा और टूट ले दो, जब इसकी हिम्मत पूरी तरह से खत्म हो जाएगी तो सोचेंगे। रुक जाओ, पूरे परिवार की रजामंदी के बाद आज हमारे बहू बेटे के शुभ कदम पड़े हैं। हम पूरे रीति रिवाज से तुम्हारा गृह प्रवेश करेंगे। केतारी, गृह प्रवेश का कलश ले आओ। नंदिनी, जाओ बेटा, आरती की थाल लेके आओ। भगवान हमारे बच्चों को सारी बलाओं से दूर रखे। विधाता का लाख लाख धन्यवाद कि इस आपत का पुड़िया का जान बच गया, विधाता ने हमें पाप करने से बचा लिया। जुग जुग जियो, सदा सुखी रहो। चलो सुमन, अब इस कलश को अपने पांव से गिराकर गृह प्रवेश करो। सदा खुश रहो बच्चों, सदा खुश रहो। अभी भी लड़ना बाकी है या गले भी मिलेगा अपने बिग बी के? गले बाद में लगेगा, पहले बिग बी के पैरों में पड़कर माफी मांगेगा। चल। अरे पागल, गले लग जा। आज बहुत दिनों के बाद बहुत देर से मुझे एक बात समझ में आई कि प्यार में बहुत ताकत होती है। जो काम कभी कभी नफरत से नहीं हो पाता वो प्यार से हो जाता है। You are under arrest!
kidnapping my wife, Mr. Anshuman Mithilesh Jha. Nandan, ये क्या कर रहा है तू? पागल हो गया? आइए इंस्पेक्टर साहब, वरना ये लोग मेरी बात का विश्वास नहीं करेंगे। और कहिए इन सब से कि नंदन की पत्नी के अपहरण के जुर्म में मिस्टर अंशुमान मिथिलेश झा को गिरफ्तार किया जा रहा है। नंदनी क्या बोल रहे हो तुम? अयोध्या, अरे नंदन बउआ तो बहुत सातिर खिलाड़ी निकले, तो पूरा पासा ही पलट दिए। क्या हुआ बीबी? बड़ा सरप्राइज है ना, राइट? क्या लगा था आप सबको कि आप लोग मुझे इमोशनली ब्लैकमेल करके मैं सारे किए कराए पर पानी फेर देंगे? नहीं ओ बीबी, आप ना अपनी सारी प्लानिंग जेल की सलाखों के पीछे बैठे बैठे करना, राइट? सुमन मेरी पत्नी थी, है और रहेगी। क्या लगा तुझे? सारी प्लानिंग्स तुझे ही आती। एक प्लानिंग मैंने भी की है, मैंने ही पापा को फोन करके तुझे यहां बुलाया है। एक सरप्राइज है तेरे लिए, देखना चाहेगा? देखिए मैंने आप लोगों की सरप्राइज, हाँ, मुझे ब्लैकमेल करके यहाँ बुलाया जा रहा है, झूठा बहाना बनाया जा रहा है कि माँ की तबीयत खराब है। रही बात आपके सरप्राइज की, ओ बिग्बी, आप ना अपनी सारी प्लानिंग जेल की सलाखों के पीछे बैठे बैठे करना। तो ये थी तेरी चाल, माफी का ड्रामा। मतलब तूने ठान लिया है कि तू सुधरने वालों में से नहीं है। मेरी सुमन मुझे वापस कर दीजिए, सारा किस्सा ही खत्म। इतना समझ लीजिएगा कि मैं सुधर गया। क्यों बिग बी? ज़बान संभाल के। आपकी ये बेचैनी देखकर मुझे बुरा लग रहा है बिग बी।